हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बंसी लिखिया। आई एम फ्रॉम आरके यूनिवर्सिटी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड हियर आई एम प्रेजेंटिंग असोकारिस्ट। सो विल स्टार्ट विथ श्लोका। असोकस्य तुलामेकान् चतुर्द्रोणे जले पचेत् पादशेषे रसे पूते शीते पल शतद्वयम् दद्यादगुडस्य धातक्याः पलषोडशिकं मतम् अजाजिं मुस्तकं शुण्ठी दार्वित्पलफलत्रिकम् आम्रास्थिजीरकं वासां चन्दनच्च विनक्षिपेत् चूर्णयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत् मासाद् ऊर्ध्वच्च पित्वेन अश्रुग्धरुचां जयेत् ज्वरच्च रक्तपित्तार्शो मंदाग्नित्वं अरोचकं मेहशोथादिक हरस्त्व अशोकारिष्ट संगनितः। रेफरेंस है भैषज्य रत्नावली प्रदर रोगाधिकार 66 चैप्टर 111-114 श्लोका। अभी इसको डिटेल में देखेंगे हम। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स संधान द्रव्य या तो संधान कल्पना में हमें पता है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के तौर पर क्वाथ द्रव्य, मधुर द्रव्य, संधान द्रव्य और प्रक्षेप द्रव्य लेते हैं। तो अभी अशोकारिष्ट में सबसे पहले क्वाथ्य द्रव्य के हिसाब से हम लेंगे त्वक, यानी कि अशोकी त्वक एक तुला यानी कि 5 kg, फिर वाटर फॉर डिकॉक्शन 4 द्रोण यानी 48 liters रिड्यूस्ड टू 12 liters, उसको पादशेष रहे तब तक बचाना है। फिर मधुर द्रव्य के तौर पर लेंगे गुड़ 200 पल यानी 9.6 kg, फिर संधान द्रव्य के तौर पर लेंगे धात की पुष्प 16 पल यानी कि 768 grams। अभी धात की पुष्प को लेते समय उसको हमें शुद्ध लेना है, यानी कि पहले उसको धो लेना है अच्छे से, फिर सनलाइट में उसको अच्छे से सुखा के फिर लेना है ताकि हमारे अशोकारिष्ट में कोई अशुद्धि ना आए। फिर प्रक्षेप द्रव्य के तौर पर लेंगे रफली पाउंडेड। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है? कृष्ण जीरक 1 पल, फिर मुस्ता, सुंठी, दारु हरिद्रा, नीलकमल, हरितकी, बीभीतकी, आमलकी, फिर आम्रास्थी मज्जा, जीरक, वसामूल, श्वेत चंदन, इन सभी को हम एक एक पल लेंगे। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। The coarse powder of अशोक त्वक is taken in a decoction vessel along with the mentioned quantity of water. The vessel is placed over mild fire, boiled, reduced to 1/4. यानी कि सबसे पहले ये अशोक की त्वक को हम लेंगे एक पात्र में जिसमें हमें काढ़ा बनाना है। अभी उसमें पानी डालकर काढ़ा बनाएंगे लेकिन माइल्ड फायर पे, और उसको कब तक बचाएंगे? 1/4 तक, तब तक हम उसको रिड्यूस करेंगे। फिर 1/4 जब बच जाए तब उसको ले लेंगे। व्हेन द फिल्टर इज कूल द मेंशनड क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड गुड इज एडेड स्टिर्ड वेल एंड कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड फिल्टर इट वंस। अभी उसमें जब वो काढ़ा हमारा ठंडा हो जाएगा तब उसमें हम गुड़ डालेंगे, जिसका छोटे छोटे टुकड़े करके हमें उसमें गुड़ डालना है और उसको अच्छे से स्टिर कर लेना है। फिर जब वो गुड़ उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाए तो उस काढ़े को, यानी कि गुड़ वाले काढ़े को एक बार हम उसको फिल्टर कर लेंगे ताकि कोई गुड़ जो डिजॉल्व नहीं हुआ है ऐसा रहना चाहे। नाउ एन अप्रोप्रिएट संधान पात्र इज सिलेक्टेड आफ्टर दुपन प्रोसेस। अभी हमें संधान करना है तो फिर संधान पात्र सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर कोई संधान पात्र सिलेक्ट करेंगे। नाउ द झेगरी डिजॉल्व्ड डिकॉक्शन इज केयरफुली पोर्ड इनटू द फर्मेंटेशन वेसल। अभी हमने जो संधान पात्र सिलेक्ट किया है
वो चाहे मड़का हो या किसी का भी, तो उसमें हम ये जो जिगरी वाला काढ़ा था उसमें हम फर्मेंट होने के लिए डाल देंगे। देन एडेड विथ कोर्स पाउडर ऑफ प्रक्षेप द्रव्य एंड धातु की पुष्प। अभी उसमें क्या डालना है, प्रक्षेप द्रव्य जो कि हमने आगे देखे और धातु की पुष्प सभी उसमें डाल देना है। दी मिक्सचर इज कॉशियसली स्टीर्ड एंड द वेसल इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड बाई टेम्पररीली क्लोजिंग इट्स माउथ विथ अ क्लॉथ एंड अ लीड। अभी उसको अच्छे से मिक्स हो जाए, हम हला प्रिकॉशंस के साथ हिला के फिर उसको मिक्स करके एक वेसल में अनडिस्टर्बली रख देंगे थोड़े समय तक। उसका माउथ क्लॉथ से बंद कर देंगे। देन दी फर्मेंटेशन इज ऑब्जर्व डेली फॉर 3 to 5 days। यानी कि अभी हमें 3 से 5 दिन तक ऑब्जर्व करना है कि अच्छे से वो हो रहा है या नहीं। देन द संधि बंधन ऑफ द वेसल इज डन। अभी 5 दिन के बाद हमें उसका संधि बंधन कर देना है। देन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 15 days इन हॉट क्लाइमेट एंड 30 days इन कोल्ड क्लाइमेट्स। अभी उसको हम 15 दिन तक कोई उष्ण जगह है वहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद 30 दिन तक शीत जगह पर रखेंगे। आफ्टर कंफर्मिंग कंप्लीशन ऑफ दी प्रिपरेशन इज साइफन आउट। देन अभी जब ये कंफर्म हमारा हो जाए कि इसका कंप्लीशन हो गया है, यानी कि उसमें कुछ कंफर्मेशन के लक्षण भी होंगे तो वो मिल जाए हमें, तभी उसको साइफन आउट कर लेना है। इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट बिगर प्लास्टिक कैंस एंड चेक्ड फॉर कंटिन्यूड फर्मेंटेशन एंड दी सेडिमेंट्स इन द लिक्विड फॉर अ फोर्टनाइट और टू। यानी कि अभी हम उसको जो साइफन आउट किया हुआ लिक्विड है उसको हम एयर टाइट बिग प्लास्टिक के कैंस में डाल देंगे। देन फिर आगे उसका अभी भी फर्मेंटेशन करना है। फिर दी प्रिपरेशन इज लेटर साइफन आउट अगेन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फिर जब 15 दिन या 30 दिन तक हम उसको आगे के फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर से उसको साइफन आउट करके फिर एयर टाइट पैक में पैक कर लेंगे। दी मेडिसिन विल बी रेडिश लिक्विड विथ एल्कोहल ऑर्डर एंड बिटर स्वीट शार्प टेस्ट। अभी जब हमारा मेडिसिन तैयार हो जाएगा तो वो दिखने में कैसा होगा, रेडिश लिक्विड होगा जिसमें अल्कोहल की ऑर्डर होगी और बिटर स्वीट और शार्प ऐसा टेस्ट होगा। अभी डोसेज एंड अनुपान देखते हैं। डोसेज 1 to 2 तोला, अनुपान विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको पानी के साथ देना है। औषध सेवन काल आफ्टर मील 2 to 3 times daily। अभी उसको खाने के बाद लेना है और 2 to 3 times हम डेली उसको ले सकते हैं। इट इज़ टेकिंग अकॉर्डिंग टू रोग बल कोष्ठ एंड अग्नि। अभी इंडिकेशंस, इट इज़ प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। यानी कि उसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में प्रोमिनेंटली देते हैं। फिर उसके बाद पीड़ितार्थव, वंध्यपन, ज्वर, मंदाग्नि, प्रमेह, शोथ, अरुचि, अश्रुग्धर, इन सब में अशोकारिष्ट का यूज़ किया जाता है। फिर आमयिक प्रयोग, उसमें प्रदर रोग, अंगसाद, कटिशूल, शिराशूल, वाइट थिक एंड फ्लेकी वाटरफॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्लड फ्रॉम योनी एट्सेट्रा सिम्टम्स आर एलिमिनेट बाय यूज़ ऑफ अशोकारिष्ट।
यानी कि प्रदर रोग में ये जो लक्षण हमने देखे वो लक्षण हमें मिटाने हैं तो वो असोकारिस्ट इसमें बेनिफिशियल है। तीन, गर्भाशय भ्रंश एंड योनि भ्रंश। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्भाशय एंड योनि, श्वेत प्रदर, अल्पमाशिक धर्म, एटीसी लक्षणास आर रिमूव बाय यूज ऑफ असोकारिस्ट विथ चंदनादि चूर्ण मिक्स्ड विथ त्रिवंग भस्म इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम विथ द एजवेंट ऑफ मिल्क। तो भी मिल्क के साथ जो हमने देखा त्रिवंग भस्म और चंदनादि चूर्ण, इन सबको मिक्स करके असोकारिस्ट के साथ लेना है ताकि ये हमें गर्भाशय भ्रंश और योनि भ्रंश में मदद रूप होगा उसको दूर करने के लिए। फिर डिम्बकोष प्रदर यानी कि ओवेरियन हेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम चंद्र प्रभावटी 1:1 एन असोकारिस्ट विथ सेम क्वांटिटी ऑफ जल इज बेनिफिशियल फॉर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज लाइक उदरशूल वमन इटीसी। अभी चंद्र प्रभावटी के साथ असोकारिस्ट को देना है सेम क्वांटिटी ऑफ जल के साथ तो वो बेनिफिशियल होगा। भी हिस्टीरिया यानी कि उन्माद, असोकारिस्ट इज बेनिफिशियल इन उन्माद। फिर पांडु रोग में भी देते हैं इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम नवायास लोह एंड आफ्टर मिल असोकारिस्ट विथ सेम क्वांटिटी ऑफ लोहासव एंड जल आर बेनिफिशियल इन पांडु रोग। तो नवायास लोह, फिर असोकारिस्ट और उसको लोहासव के साथ पानी के साथ मिक्स करके देने से पांडु रोग में बेनिफिशियल है। देन रक्तपित्त एंड रक्तार्श, असोकारिस्ट इज बेनिफिशियल इन दिस डिजीजेस स्पेशली इन रक्तार्श फॉर पेन एंड दा इट इज बेनिफिशियल। तो रक्तार्श और रक्तपित्त में भी असोकारिस्ट का उपयोग किया जाता है। अभी ये उसकी कुछ इमेजेस है असोकारिस्ट की जो कि आपको बाजार से मिल जाएंगी। यहाँ मैंने डाबर और वैद्यनाथ की ली है, आपको अदर कंपनीज की भी मिल जाएंगी। थैंक यू।